हेलो दोस्तों, तो कनपुरिया फिल्मी गर्ल के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैंने देख लिया है भोला का फर्स्ट डे फर्स्ट शो और हाजिर हो गई हूँ आपके सामने इसका रिव्यू लेकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एकदम ओपन रियलिटी के साथ बताने वाली हूँ फिल्म के बारे में और उन लोगों को जवाब भी देने वाली हूँ जो इस फिल्म को रीमेक कहकर हेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की बात करी जाए तो इसके दो एंगल्स हैं, पहला माफिया और पुलिस वर्ल्ड का, दूसरा भोला की लाइफ का। अब भोला 10 साल बाद जेल से छूटने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है कि रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसे पुलिस के कहने पर कुछ ड्रगी और माफिया गैंग्स का सामना करना पड़ता है। अब ये सर्कमस्टांसेस क्यों क्रिएट होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूं तो उसमें कुछ भी नयापन नहीं है, बिल्कुल कैथी जैसी ही है, मगर भोला में वो सब कुछ है जो उसे कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज बनाती है। जैसे कि केवल VFX और एक्शन ही नहीं बल्कि कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस, इसका थीम, BGM और फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी है इसके बेहतरीन एक्टर्स जो कितने प्रोफेशनल और ट्रेंड है। सभी अपने लुक्स में इतने धुआंधार लग रहे हैं, वो आपको इनकी एक्टिंग में भी झलक उठेगा। अब जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भोला ने कैथी की ओरिजिनैलिटी को खत्म कर दिया, तो मेरा उनको जवाब है कि ये फिल्म कैथी नहीं है या कैथी 2 नहीं है, ये फिल्म है भोला। और अगर आप कैथी को दिमाग में रखकर भोला का रिव्यू दे रहे हो या फिर भोला फिल्म के बारे में बात कर रहे हो तो इससे लॉजिकलेस चीज ना कोई भी नहीं हो सकती। बात करें अगर फिल्म के डायलॉग्स की तो वो सभी बेहतरीन है। मतलब कुछ कुछ पल पे इतने गूज बम्स देने वाले डायलॉग्स आएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि फिल्म के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखकर अजय देवगन और तब्बू मैम को ही ऐसे डायलॉग्स दिए गए हो, नहीं, सारे ही कैरेक्टर्स, चाहे आप बात कर लो दीपक डोबरियाल या फिर विनीत कुमार सर, गजेंद्र राव, संजय मिश्रा, सभी को एक से एक ऐसे डायलॉग्स दिए गए हैं जो आपको थिएटर से निकलते वक्त ना याद रह जाएंगे। और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि हिंदी सिनेमा में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहा है कि फीमेल कैरेक्टर्स को भी उतना ही स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की जा रही है जितना कि मेल कैरेक्टर्स को। अभी हाल ही में आई पठान में दीपिका पादुकोण ने कैसे मशीन गन चलाई थी, उसी तरीके से भोला में भाई तब्बू मैम ने पूरे फिल्म में एक हाथ से लड़ाई की है। मतलब यार शुरुआत में ही ना उनका वो जो ट्रक चेज वाला एक्शन सीक्वेंस होगा ना, वो दिल जीत लेगा यार आपका, सच में। देखो बाकी यार मैं कोई क्रिटिक्स विटिक्स नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ और नॉर्मल इंसान के लिए ही रिव्यू लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस आजकल की क्या मांग रही है। क्रिटिक्स मतलब होता है आलोचक, और मैं आलोचक नहीं हूँ। आलोचक का काम होता है जजमेंट पास करना, मगर मेरा काम है फिल्म देखकर एक सही ओपिनियन लाना और उसे आप तक पहुंचाना। इसीलिए मैं भोला के लिए कहूंगी कि आप आराम से देखो जाकर, फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, आपकी नजरें नहीं हटेंगी, उसकी गारंटी मेरी है। ऐसा कोई ब्रूटल एक्शन नहीं है, ऐसा कोई इंटीमेट सीन नहीं है जो आपको देख के अजीब लगे, आपको बच्चों को ले जाने में अजीब लगे, फैमिली फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी यार देखो, अगर नेगेटिव चीजों की बात की जाए ना तो इस दुनिया में कोई भी चीज 100% पॉजिटिव नहीं है, इवन नेचर भी नहीं, तो फिर आप एक फिल्म से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एकदम 100% परफेक्ट बन के आ जाए, वो भी एक रीमेक। इसके चलते वेरी ऑनेस्टली मैं दूंगी फिल्म को 5 में से 4 हार्ट्स अजय देवगन की मेहनत और सारे एक्टर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि आप सब ये डिजर्व करते हो। और हाँ, एक बात जरूर सुनो, फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो बहुत अमेजिंग है, उसका मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ और उसमें ये भी पता चलेगा कि भोला 2 में क्या हो सकता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना, आपको फौरन पता चल जाएगा कि क्या क्या नई नई और खबरें आने वाली हैं। ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू पाने के लिए आप कनपुरिया फिल्मी गर्ल को सपोर्ट करो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।